हेलो गाइस, मैं से ललित बिस्ट। आज हम सीखेंगे यूज इस टू एम टू आर टू का। चलिए शुरू करते हैं। जिन वाक्यों के अंत में ना है, नी है, ने है आता है, वहाँ हम इस टू एम टू आर टू का इस्तेमाल करते हैं। तो इस सेंटेंस की पहचान याद कीजिए, ना है, नी है, ने है, जिन वाक्यों में आता है वहाँ पर हम इसका इस्तेमाल करते हैं, इस टू एम टू आर टू का। ये कुछ सेंटेंसेस हैं। मुझे किताब खरीदनी है, ठीक है, तो आई एम टू बाय बुक्स। तो पहले क्या करते हैं, पॉजिटिव सेंटेंस में सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग वर्ब, फिर टू लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लगाते हैं। तो पहला क्या है, मुझे किताब में खरीदनी है, आई एम टू बाय बुक्स। उसे दिल्ली में काम करना है, ही इज़ टू वर्क इन दिल्ली। उन्हें वहाँ सोना है, दे आर टू स्लीप देयर। तुम्हें सच बोलना है, यू आर टू स्पीक द ट्रुथ। मंजू को यह देखना है, मंजू इज़ टू सी दिस। इसमें क्या होता है कि सेंटेंस कुछ अलग प्रकार के होते हैं, जैसे मुझे, उसे, अब मुझे के लिए अब मी लगाते हैं, उसे के लिए हिम लगाते हैं, उन्हें के लिए देम लगाते हैं, लेकिन इस प्रकार के वाक्यों में ऑब्जेक्ट की आवाज़ ही पहले आती है, लेकिन ये सब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो आप जैसे सोच सकते हैं, सेंटेंस मुझे खाना बनाना है, तो खाना कौन बनाएगा, मुझे, यानी मुझे खाना बनाना है तो आई एम टू कुक। मुझे पानी लाना है, आई एम टू ब्रिंग वाटर। मुझे दिल्ली में काम करना है, आई एम टू वर्क इन दिल्ली। तो जो जो काम करने हैं वो इस प्रकार के ही सब्जेक्ट होते हैं। तो मुझे उसे को ध्यान न दें, देखें कि सब्जेक्ट हमेशा पहले आता है और उसके अंदर कुछ भी हो सकती है। यस, तो ऐसे ही यूज़ करें, समझें ज़्यादा। ओके, आगे बढ़ते हैं। नेगेटिव सेंटेंसेस, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब का नॉट लगाना है, वर्ब से पहले टू लगाना है, फिर ऑब्जेक्ट लगाना है। जैसे मम्मी को कपड़े नहीं खरीदने हैं, मदर इज़ नॉट टू बाय क्लोथ्स। तो मदर इज़ नॉट, उसके बाद वर्ब से पहले टू लगाना है। जैसे आप सेंटेंस बनाते रहें सिंपल इज़ मार के, वैसे ही इसे सेंटेंस बनाना है, लेकिन सेंटेंस क्या होता है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी होती है। तुम्हें वहाँ अब नहीं रहना है, यू आर नॉट टू लिव देयर। तो इस प्रकार से आपको सेंटेंस बनाना है नेगेटिव, और भी बना सकते हैं, जैसे मुझे वहाँ नहीं रहना है, आई एम नॉट टू लिव देयर। उसे कार चलानी चलानी है, ही इज़ टू ड्राइव कार। मुझे गाँव में रहना है, आई एम टू लिव इन दिल्ली। तुम्हें यहाँ नहीं रहना है, यू आर नॉट टू लिव हेयर। तुम्हें हंसना नहीं है, यू आर नॉट टू लाफ। उसे रोना नहीं है, ही इज नॉट टू वीप। तो इस प्रकार से हम निगेटिव सेंटेंसेस बना सकते हैं, पॉजिटिव बना सकते हैं। नेक्स्ट है इंडिकेटिव सेंटेंसेस। जिन वाक्यों में सबसे पहले क्या आता है, तो वहाँ पर हम हेल्पिंग वर्ब का इस्तेमाल करते हैं, नहीं एज एम आर का पहले इस्तेमाल करते हैं। जो सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग एज एम आर का इस्तेमाल करते हैं। जैसे क्या मुझे वहाँ गाना गाना है, एम आई टू सिंग अ सॉन्ग देयर। क्या उसे यह पूछना है, इज ही टू आस्क दिस। ऐसे क्या मुझे पढ़ाई करनी है, एम आई टू स्टडी। क्या तुम्हें बैंक में काम करना है, आर यू टू वर्क इन बैंक। तो जब क्या पहले आएगा तो हम इज एम आर पहले लगाएंगे, और इज एम आर लगाते हैं सब्जेक्ट के हिसाब से। अगर यू सब्जेक्ट है तो यू आर है तो उल्टा कर देंगे, आर यू। तो सेंस आए क्या तुम, तो आर यू। क्या उसे सोना है, इज ही टू स्लीप। क्या रवि को पतंग खरीदनी है, इज रवि टू बाय द काइट। क्या तुम्हें बर्फी खानी है, आर यू टू टेक बर्फी। क्या तुम्हें गोवा जाना है, आर यू टू गो टू गोवा। क्या उसे कार बेचनी है, इज ही टू सेल द कार। तो इस प्रकार के सेंटेंसेस हम क्या करते हैं, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में बनाते हैं। तो जहाँ पर क्या पहले आता है वहाँ पर हम क्या करते हैं, इज एम आर को पहले लगाते हैं। आपको ध्यान रखना है, और भी सेंटेंस बना सकते हैं, जैसे क्या तुम्हें उसे पीटना है, आर यू टू बीट हिम। क्या पापा को उसे डांटना है, इज फादर टू स्कोल्ड हिम। तो जब क्या पहले आएगा तो हम इज एम आर को पहले लगाते हैं। इसकी ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना आपको फ़ायदा मिलेगा। यस, तो सेंटेंस को देखिए और बनाइए। आगे हम बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, वो सेंटेंसेस जो वर्ड के हिसाब से यूज़ होते हैं, यानी व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन का इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो सबसे पहले क्या लगाते हैं, क्वेश्चन वर्ड, यानी कि व्हाट, वेयर, व्हाई, व्हेन, इनको हम पहले लगाते हैं, फिर इज एम आर लगाते हैं, उसके बाद फिर सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उससे पहले टू लगाते हैं, फिर ऑब्जेक्ट। जैसे तुम्हें कहाँ से फल खरीदने हैं, वेयर आर यू टू बाय फ्रूट्स। इसमें लिखा है कहाँ से, तो से के लिए हम फ्रॉम, वेयर से भी जोड़ सकते हैं और फ्रूट के बाद भी लिख सकते हैं। तो कहाँ से, तो फ्रॉम वेयर आर यू टू बाय फ्रूट्स। उसे वहाँ क्या करना है, वॉट इज ही टू डू देयर। मम्मी को कब दिल्ली से आना है, वेन इज मदर टू कम फ्रॉम दिल्ली। तो क्वेश्चन वर्ड को ध्यान रखना है, कोई भी क्वेश्चन वर्ड होता है तो बहुत अच्छा है कि हम लोग क्वेश्चन वर्ड का ज़्यादा इस्तेमाल करें। तो तुम्हें वहाँ क्यों जाना है, वाई आर यू टू गो देयर। तुम्हें कैसे आना है, हाउ आर यू टू कम हेयर। मम्मी को क्या बनाना है,
वॉट इज मदर टू प्रिपेयर, तुम्हें बाजार से क्या लाना है, वॉट आर यू टू ब्रिंग फ्रॉम मार्केट। तो जो पहला सेंटेंस है, तुम्हें वहाँ से फल खरीदने हैं, तुम्हें कहाँ से फल खरीदने हैं, तो ध्यान रखना है कहाँ से जब भी लिखा होगा तो फ्रॉम वेयर से आप सेंटेंस स्टार्ट कर सकते हैं। तो फ्रॉम वेयर आर यू टू बाय फ्रूट्स, आप ये भी कर सकते हैं वेयर आर यू टू बाय फ्रूट्स फ्रॉम, तो वेयर आर यू टू बाय फ्रूट्स फ्रॉम, ये भी आप कर सकते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन वर्ड का इस्तेमाल करें, जैसे तुम्हें किससे बात करनी है, हुम आर यू टॉक, तुम्हें किससे मिलना है, हुम आर यू टू मीट, तुम्हें किसके साथ खेलना है, विद हुम आर यू टू प्ले। ये कुछ सेंटेंसेस हैं, मिक्स हैं, इसके आप मीनिंग आउट कीजिए। जैसे पहले लिखा है यू आर टू डांस देयर, क्या मतलब हुआ इसका, तुम्हें वहाँ नाचना है, शी इज़ टू वर्क हियर, उसे यहाँ काम करना है, ऑल आर टू कास्ट द वोट टुमारो, सभी को कल वोट डालना है, मदर इज नॉट टू कुक एनीथिंग नाउ, मम्मी को कुछ नहीं बनाना है, पीपल आर नॉट टू गो अगेंस्ट पुलिस, लोग को पुलिस वालों के खिलाफ नहीं जाना है, मिस्टर गुप्ता इज नॉट टू डिपॉजिट मनी, जो मिस्टर गुप्ता हैं उन्हें पैसे जमा नहीं करने हैं। इस प्रकार से आप सेंटेंस बना सकते हो। जैसे आगे लिखा है आर यू टू हेल्प द पुअर, क्या तुम्हें गरीब लोगों की मदद करनी है, इज द प्राइम मिनिस्टर टू डिलीवर द स्पीच ओवर देयर, क्या जो हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं क्या उन्हें वहाँ पर भाषण देने हैं, एम आई टू फोन यू दिस इवनिंग, क्या मुझे आज शाम को तुम्हें फ़ोन करना है, दिस इवनिंग मतलब आज शाम, दिस मॉर्निंग आज सुबह, हाउ आर यू टू मेक द बेड, आपको बिस्तर कैसे लगाना है, हुम आर द पीपल टू टेल दिस, लोग को ये बात किसे बतानी है, विच पेन इज शी टू गिव टू रवि, उसे रवि को कौन सा पेन देना है। तो इस प्रकार से काफ़ी सेंटेंस आप अपने आप बनाएं, उन्हें फिर रीडिंग करके अर्थ निकालें। अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो, आज का जो लेसन है अच्छा लगा हो, पसंद आया हो, तो लाइक करें, शेयर करें। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और मुझे अपने कमेंट्स जरूर लिख के दें, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जिस प्रकार से मैं आपको स्टडी दे रहा हूँ, क्या वो आपको फ़ायदा दे रही है, क्या वो आपको समझ में आ रही है नहीं, इस बारे में आपकी कमेंट्स मैं जरूर चाहता हूँ। तो इस प्रकार से आप क्या कर सकते हैं, जो स्टडी है उसमें पॉजिटिव सेंटेंस, नेगेटिव सेंटेंस, इंट्रोगेटिव सेंटेंस बना सकते हैं, और सबसे पहले सेंटेंस की पहचान याद कर सकते हैं कि इस सेंटेंस में क्या आता है, इज टू एम टू आर टू का इस्तेमाल होता है, और वाक्य के अंत में क्या आता है, ना है नी है ने है आता है, और जो उसमें हिंदी निकलती है थोड़ी टिपिकल निकलती है, जैसे उसे पूछ उसे कुछ बताना है, ठीक है, ऐसे ही मुझे वहाँ रहना है, तो उन्हें ये सब काम करना है, तो जो हिंदी आती है वो ऐसा लगता है कि वो ऑब्जेक्ट है, लेकिन जब हम इसको सेंटेंस को प्रैक्टिकली स्पीकिंग में यूज़ करते हैं तो पता चलता है ये तो सब्जेक्ट है। तो प्लीज़ काफ़ी सेंटेंस बनाइए, जैसे मुझे तुम्हें पढ़ाना है आई एम टू टीच यू, मुझे तुम्हें नहीं पढ़ाना है आई एम नॉट टू टीच यू, सवाल करें क्या क्या तुम्हें मुझे पढ़ाना है आर यू टू टीच मी, और फिर तुम्हें मुझे कहाँ पढ़ाना है वेयर आर यू टू टीच मी, तो एक एक सेंटेंस के पॉजिटिव नेगेटिव और इंट्रोगेटिव सेंटेंस आप बनाइए, तब आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। तो आप, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको मेरा ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगा होगा और काफ़ी इन्फॉर्मेशन आपको इससे मिल गई होंगी। तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स के द्वारा मुझे बताएं कि कैसा लगा, आगे अगर आप चाहते हैं कि मैं आपको इसी तरह से अपना वीडियो दूँ एक और, जिसमें यूज़ हो हैज़ टू हैव टू हैड टू, इन तीनों का मैं यूज़ करा सकता हूँ, तो प्लीज़ मुझे अपने कमेंट्स दीजिए। ओके, बाय, सी यू।